इधर मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन आजाद समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मांग उठाई है कि 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना हो, क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। 1984 में 3 दिसंबर के दिन ही गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। मतगणना की तारीख बदलने पर बताया कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, जिससे हजारों मृतक आत्माओं को कष्ट पहुंचेगा। तो भाई हम लोग ज्ञापन दिए, देश की बहुत बड़ी घटना है जिसमें असम में लाखों लोग काल के गाल में समा गए, और आज भी उस भीषण त्रासदी से आज भी लोगों के अस्पतालों में मौतें हो रही हैं। हमारा कहना ये है कि एक दिन बढ़ाने, हमने मांग की है कि संपूर्ण देश में मतगणना का एक दिन बढ़ाया जाए, चूँकि उस दिन श्रद्धांजलि सभाएं पूरे देश ही नहीं विदेशों में सारे दुनिया में होती हैं, चूँकि ऐसी घटना जिसका याद करके एक जिस्म में एक लहर से दौड़ जाती है। मैं प्रत्यक्ष उस घटना का गवाह हूँ, 84 के गैस का। मैं खुद स्वयं, मेरे परिवार के लोग खोए हमने वहाँ पर, और अगर ऐसे में भी अगर सरकार, निर्वाचन आयोग या देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब या देश के गृह मंत्री अगर ऐसी घटना को लेकर भी अगर एक दिन का समय नहीं बढ़ा सकते, तो हमें लगता है गैस पीड़ितों को आपने हमेशा छला है और आगे भी छलते रहेंगे। गैस पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं होगा। चुनाव आयोग के अलावा भी आपने कहीं कोई ज्ञापन दिया है क्या? तमाम जगह सबको, पूरे देश के लोगों को मालूम है, मांग आपके चैनलों से मांगी तो कर रहे हैं ना, देश के, आजकल देश में, तमाम देश में सोशल मीडिया ही सब महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके चैनलों के माध्यम से हमने तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, और निर्वाचन देश का और प्रदेश के निर्वाचन सबसे तो बराबर मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण देश में एक दिन के लिए या तो पूरे देश का, पाँचों प्रदेशों का मतगणना बढ़ाई जाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो मध्य प्रदेश की बढ़ाई जाए।